हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड एंड डीपीएससी की रैंक लिस्ट अब डाल दी गई है। एससीईआरटी ने आज अपडेट कर दिया है आपको। इस पे जाके आप अपनी रैंक लिस्ट चेक कर सकते हो कि आपको कौन से नंबर पे रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। अगर आपका रैंक लिस्ट 1000 के अंदर अंदर है तो आपका एडमिशन होना संभव है। इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे आपका डीएलएड का रैंक लिस्ट है तो डीएलएड पे आप क्लिक करोगे, ये आपका साइट खुल जाएगा। इसमें आपको जो 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 दे रखी है उसके आपको चेक करना है। इसमें सभी बच्चों की रैंक लिस्ट आ जाती है। तो जैसे कि आप ये आ गया है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के बाद ओपन करिएगा तो आपकी रैंक लिस्ट आ चुकी है। जो टॉप पे बच्चे हैं, टॉप पे उनका नाम है। जैसे कि ओबीसी कंडक्टेड से ये रैंक 1 आई है इसकी, मयंक यादव की, शेर अरोड़ा, वंशिका सोलंकी, आशी यशवंशी। तो इसमें आप अपना चेक कर सकते हो कि हम कौन सी कैटेगरी का, हमारा सब डिटेल्स ठीक है ये नहीं है, आपका इसमें रोल नंबर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है और बाकी जितने भी डिटेल्स है वो आपको दिया। और जो सब पे टॉप पे बच्चा था वो मयंक यादव है। ऐसे सारी लिस्ट गई है आपकी पूरी 296 पेज की, यानी कि आपके जितने बच्चे हैं ये अभी इसमें अभी लिस्ट आ जाएगी पूरी, ये सर्च ले रहा है। तो देखो इस बार ओनली कम बच्चों ने अप्लाई किया था, 11,227, नहीं तो हर बार 13,000-14,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इस बार जो गया था ये कम गया था। तो ये बच्चों की लिस्ट है लाइन से, तो इसमें अपना आप नाम देख लीजिए। जिसके 1000 से कम की लिस्ट में आया है, 1500 कम का, उनका बहुत बहुत चांस है कि गवर्नमेंट स्कूल में आने से, शायद 2000 से भी बीच है, बट जो 2000 के ऊपर उनके बहुत कम चांस है कि उनका गवर्नमेंट में आए, प्राइवेट में आ सकता है। ये कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा रैंक लिस्ट आते हैं तो भी प्राइवेट में लेते हैं, तो ये बेनिफिट मिल जाता है दूसरे बच्चों की, उनका गवर्नमेंट में नाम आ जाए। तो इस तरीके इन्होंने रैंक लिस्ट जारी की है नंबर के अकॉर्डिंग, जिसके 150 में से जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये रैंक लिस्ट जारी हुई है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये आपकी रैंक लिस्ट CBT जो आपने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग आई है।